अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी की समीक्षा करने एडीजी जोन पीयूष मौजिया पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महोत्सव में एंट्री के लिए क्यूआर कोड भी दिया जाएगा, जिसके जरिए सभी अतिथियों को राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। एडीजी जोन पीयूष मौजिया ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न जगहों से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। जो जिस रास्ते से आएंगे उन्हें कैसे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचा जाए और बिना किसी परेशानी से सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सके, कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वापस संतुष्ट होकर जा सके, इसको लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विचार विमर्श हुआ। विभिन्न स्थानों से लोग आएंगे, किस प्रकार से यातायात संचालित होगा, कहां कहां पर पार्किंग की जाएगी, पार्किंग करने के पश्चात कैसे हम आगंतुकों को मुख्य कार्यक्रम तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करेंगे और बिना किसी परेशानी के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अपने पूजा दर्शन इत्यादि करके वापस संतुष्ट होकर जा सकें। इन्हीं सब बातों पे विचार विमर्श हुआ था, किस प्रकार के पासेस होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम लोग चेकिंग करेंगे। हमने जो अपनी तरफ से सुझाव देने थे उन्हें दिए, उन्होंने जो अपेक्षाएं थी बताई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, प्रशासन की टीम और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, उन सभी के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा पाएंगे। देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट संख्या और जो है ब्रेकअप तो इस समय ट्रस्ट वाले लोग ही बता सकेंगे, पर मुझे मेरे अंदाजे से और जो अब तक जो मिली जानकारी उसके हिसाब से कुल मिलाकर अतिथिगण 8 से 10 हज़ार के बीच में होंगे। कोई व्यवस्था बनाई जाए, इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्यूआर कोड का भी निमंत्रण पत्र पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जो फ़ायदा हमें होता है वो ये है कि हम ये तय कर पाते हैं कि कोई इम्पोस्टर प्रवेश नहीं कर रहे हैं और यदि कोई किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे जनपद में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करते हैं तो उन्हें हम